वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कढ़ाई छोले, यानी कि काबली छोले हम बनाएंगे, वो भी कढ़ाई में। और कढ़ाई छोले होते हैं, इसमें कोई मसाला वगैरह, ज़्यादा प्याज वगैरह जब पीस के, टमाटर वगैरह पीस के नहीं डाला जाता, और सिर्फ मसालों में बनाया जाता है। ये मेरे घर की रेसिपी है और बड़ी ईजी और बड़ी जल्दी बनती है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ हमने क्या लिया। ये देखिए, मैंने 2 बड़े कप ये लिए थे चने, और रात भर भिगो दिए थे, 8 से 10 घंटे भी आप भिगो सकते हैं। और हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ऊपर तक डूब जाएंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देख आप देख सकते हैं, बस इतना पानी डालना है, 1 इंच ऊपर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून इसमें ये नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा है या कि मीठा सोडा, इससे अच्छी तरह से गल जाते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। और 2 टी बैग हम इसमें ये डाल देंगे ताकि इसमें कलर आ जाए। अगर आपके पास आंवला हो तो आप आंवला भी डाल सकते हैं। और इसको गैस में एक विसल आने तक इसको उबालेंगे, और प्रेशर अपने आप निकल जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। 1 विसल लगाएंगे। देखिए मेरे इसमें 1 से 2 सीटी होगी, तो अब हम इसको बंद कर, पहले एक हुई है एक दूसरी हुई है, तो अब इसको हम बंद कर देंगे। यदि गैस मैंने बंद कर दी है, अब इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली जब निकल जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल कैसे थे हमारे चने गले हैं, फिर नेक्स्ट हम प्रोसेस आपको बताएंगे। हमारा कुकर अपने आप ठंडा हो गया, यानी कि इसके प्रेशर निकल गया, तो हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए, इसमें कलर भी आ गया और ये हमारे गल भी गया और पानी भी आ गया, बस हमें ऐसे ही चाहिए। अगर थोड़ा सा पानी भी होगा तो वो यूज हो जाएगा। अब हम इसमें से ये देखिए, आपको एक दिखाते हैं कि ये ऐसे गलने चाहिए, बिल्कुल ये देख सकते हैं। और इसमें हम टी बैग निकाल देते हैं, उसके बाद मैं आपको बाकी का बनाना बताऊँगी। आप देख सकते हैं ये जो चने मैंने छोले, यानी कि 2 सीटी दे के उबाल लिए थे नमक डालकर और थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर, पूरी रात भिगोए थे हमने 8 से 10 घंटे पहले, और छान लिया मैंने इनको, और ये छान के ऐसे हमने रखना है। और ये पानी मैंने रख लिया और बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। ये अब मैं आपको बता रही हूँ बनाना। ये जो चने हैं मेरे पास, हम इसे एक बड़े बाउल में डाल लेते हैं। इसमें हम सारे सूखे मसाले पहले डालेंगे। अब ये हमारे पास है, हम नमक तो हम पहले डाल चुके थे, अब हमारे पास ये है अमचूर है, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर, ये काला नमक 1/2 छोटा चम्मच है, सारे धनिया और जीरा पाउडर 1-1 चम्मच, अमचूर भी 1 चम्मच। ये देगी मिर्च डाल रही हूँ, आप दूसरी भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम देगी मिर्च डालेंगे, कलर भी आएगा और इससे मिल जाएगा। और ये हम हमें चना मसाला डालेंगे 1.5 चम्मच के करीब। ये देखिए, और थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डालेंगे इसमें। अगर आपके पास अनारदाना हो तो डाल दें, नहीं तो आप इमली का पल्प या इमली थोड़ी सी भिगो के उसका डाल दें। ये देखिए मैंने डाल दी, मेरे पास रेडीमेड इमली है, चटनी है, तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते, थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे कर लेते। अब एकदम मिक्स नहीं करेंगे अभी, हमें आपको आगे का प्रोसीजर बताती है। अब हम क्या करेंगे, मैंने गैस ऑन कर दी और कढ़ाई रख दी है, इसमें हम कढ़ाई छोले बना रहे हैं तो कढ़ाई में बनाएंगे, तो इसमें मैं थोड़ा देसी घी और थोड़ा तेल डालूंगी। अगर आप तेल में ही बनाना चाहते हो तो तेल में ही बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें प्याज नहीं डलेगा, थोड़ा सा तेल डाल देंगे हम इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, मैंने पीस के रखा हुआ है।
हम इसमें जीरा डालेंगे, पहले हमें जीरा पाउडर इस पर डाला है, इसमें जीरा डालेंगे। और हम इसमें डालेंगे दो से तीन मिर्चें लिखी हुई, ये कटा हुआ एक टमाटर है वो भी डाल देंगे। इसको जस्ट करके हमने मिक्स करना है, उनको पकाना नहीं है। और गैस हम बंद कर देते और ये जो हमने मसाला बनाए इसके ऊपर डाल देते, चना के ऊपर डालिए। इसमें हमने मसाले डाले थे और हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च और जीरा डाल दिया। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, सारे मसाले मिल जाएंगे गर्म घी में, इसमें फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आ जाएगा। ये मैंने मिला लिए, अब हम इसका एक और छौंक तैयार करेंगे। कर दिए मैंने, इसमें हम एक छोटा चम्मच घी डालेंगे, आप तेल भी डाल सकते हैं जिसमें बना रहे हैं उस वही चीज़ भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें, ये मेरे पास अजवाइन है, एक छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। इसमें अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब ये जो हमारे छौंक वाले चने और मसाले वाले थे वो इसमें डाल देते, नमक आप देख सकते हैं अगर काम लगे तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने पहले एक टीस्पून नमक डाला हुआ था बोलते टाइम, और काला नमक भी डाला है। एक दो मिनट हिलाते हैं इसको, झटपट से बन जाते हैं। हम इसको, ये जो पानी बचा था हमारे पास हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको हम मीडियम आंच पे 5 से 7 मिनट तक इसको दम पे होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 5 से 7 मिनट मैंने इसको मीडियम हाई लो पे पका लिया, ये आप देख सकते हैं। ढक्कन लेके ये हमारे सारे मसाले के फ्लेवर मिल गए हैं, और बस हमें इतने ही चाहिए, हमें ज़्यादा इसकी ग्रेवी नहीं चाहिए। हम इसको, ये सूखे सूखे ही बनते हैं, और इसको हम भटूरे या पूरी लुच्ची के साथ या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब हम जो हमारे पास बारीक बारीक अदरक कटा हुआ था वो भी डाल देते हैं। गैस बंद कर देते हैं, बड़ी जल्दी बन जाते हैं, इसको मसाला भूनने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस जस्ट इसके दो छौंक लगाने पड़ते हैं हमारे को। और आप देसी घी में बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैं डिश आउट करती हूँ इसको, फिर मैं आपको इसको डिश आउट कर दिए तो हमें थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देते हैं, ये अदरक है हमारे पास, ये भी थोड़ा सा डाल देते हैं, कटा हुआ अदरक, या दो हरी मिर्चें, देखिए हमारी कढ़ाई छोले बनकर तैयार है, झटपट से इंस्टेंट बन जाते हैं और पंजाबी स्टाइल में। और ये टिपिकल पंजाब की डिश है, बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए, अपने फैमिली को खिलाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए। इसको आप भटूरों और उसके साथ पूरी और लुच्ची के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं आपको भटूरे की भी रेसिपी भी इंस्टेंट दूंगी, आप बनाइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स लिख के बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।